हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक गेम पैड जो है एंटर का। बहुत सस्ता आता है, 250 रुपये में। जी हाँ, आपने सही सुना, 250 से 300 रुपये में आ जाता है अगर आप लोकल मार्केट से खरीदेंगे। तो जैसे कि इसका मॉडल नंबर है, आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए खरीदते समय। EGPV, और जूम करने पे ठीक से आएगा तो 1916 05। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हाथ में बहुत सही बैठता है। अगर दोनों हाथ में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये बहुत सही बैठेगा। सेम इसी डायरेक्शन से आप दूसरे तरफ से पकड़ेंगे तो बहुत सही बैठेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सिमिलर टू एक्सबॉक्स है या प्ले स्टेशन की तरह बोल सकते हैं। इसमें वाइब्रेटर भी है, जैसे नॉर्मल गेमिंग या हैवी हैवी गेमिंग खेलने के लिए बहुत सही है। इसमें एक एनालॉग बटन है जिससे आप ऑन ऑफ करते हैं। बट इसको यहाँ पे एक लाइट है, सेलेक्ट स्टार्ट एक बटन है, दो एनालॉग स्टिक्स हैं, डायरेक्शन के हैं, चार की है, और यहाँ पे R1 R2 L1 L2 है। इसके साथ काफ़ी डिसेंट केबल आ जाती है। वैसे इंडियन मार्केट में ये बहुत चलता है। इसकी पोजीशनिंग के बारे में अगर कहे तो ये बहुत सही चलता है। वैसे मैं ये कम से कम 2 साल से चला रहा हूँ, बहुत सही चलता है। सारी गेम खेली है इसमें, हर एक गेम अच्छी चलती है, वाइब्रेशन वगैरह भी सही होता है। बात रही इसकी सेटअप करने के लिए, इसके साथ एक सीडी भी आती है, या फिर आप दूसरे मेथड से इसको सेटअप कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। बाकी जो है बस इतना ही कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अभी तक तो मैंने कुछ भी खोला नहीं है, देखिए सील लगी हुई है। अगर आप कहेंगे तो इसको गेम, ये नॉर्मली आप USB में लगा दीजिए ऐसे, साउंड करता है, और यहाँ पे ऑन हो गया। इसी तरीके से आप ये गेम खेल सकते हैं। थैंक यू।